दोस्तों हमारे आसपास कई बार कुछ ऐसी घटनाएं या तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं या फिर किसी द्वारा फोटो खींच ले जाती है, जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हीं को हम लोग कोइंसिडेंस कहते हैं। तो आज की ये वीडियो पूरी तरह से कोइंसिडेंस से भरी पड़ी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो ये इमेज दिख रही है ये कोई नॉर्मल इमेज नहीं है, ये एक सड़क पे किसी तूफान के बाद गिरे हुए पेड़ की इमेज है जिसके नीचे से एक गाड़ी पार हो रही है। लेकिन ये पेड़ ऐसे गिरा हुआ है मानो ये इसी गाड़ी पार करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर ये ऐसा होता है कि जो पेड़ होता है उसका तना जो होता है वो किसी तरीके से मुड़ जाता है और ये उसी प्रकार से मुड़ा हुआ है और किसी ने इसकी पिक्चर खींच के इंटरनेट पर अपलोड कर दी। नंबर टू, आप लोगों को जो ये ट्रक दिख रहा है इस ट्रक में दो दरवाजे होते हैं आपको पता ही होगा, लेकिन इसका एक दरवाजा खुला हुआ है और इसी के कारण इसका जो मेन लोगो होता है जैसे किसी भी चीज का तो वो पीछे लिखा हुआ है इसके, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं दिख रहा है क्योंकि एक साइड का दरवाजा खुला हुआ है और एक साइड का दरवाजा खुला होने के कारण ये ऐसा लग रहा है मानो ये मोटिवेशन देने के लिए बनाया गया हो और किसी ने इसकी फोटो खींच के इंटरनेट पर अपलोड कर दी और नीचे लिखा हुआ भी है बट ए कोइंसिडेंस दैट्स माय मोटो टू। नंबर थ्री, अब आप लोगों को जो ये इमेज दिख रही है इन दोनों की, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और इसीलिए इन लोगों ने ये फोटो शूट करवाई है। तो ये इसलिए करवाई है क्योंकि जो इस लड़की ने अपनी टी शर्ट पहनी हुई है इसके ऊपर इसने प्रिंट करवाया हुआ है किसी दुकान से आई विश दिस वॉज एंड्रयू स्कॉट और एरो का निशान भी लगाया हुआ है। ये दोनों एक मार्केट में मिल गए चलते हुए और कोइंसिडेंस की बात तो ये है ना कि ये जो बंदा है इसका नाम एंड्रयू स्कॉट है और इसको ये लड़की मिली और उसने देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है तो इन दोनों ने फोटो शूट करके इंटरनेट पर अपलोड कर दी और वो बिल्कुल फेमस हो गई और तभी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। नंबर फोर, अब आप लोगों को जो ये बस दिख रही है इसका एक्सीडेंट हो चुका है एक स्कूटी के साथ, लेकिन इसके ऊपर जो पेंट करवाया हुआ है एक लड़की और उसकी माँ की फोटो का पेंट करवाया हुआ है और वो दोनों नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसका आगे वाला टायर आप लोग देख सकते हैं बस के नीचे गया हुआ है और ऐसा लग रहा है इस इमेज को देख के मानो ये दोनों उस टायर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि बस यही टायर स्कूटी का बस के नीचे आया है। नंबर फाइव, अब आप लोगों को जो ये इमेज दिख रही है इसमें चार अलग अलग बीमारियों के नाम है। अब रिसेंटली 2020 में आई एक नई बीमारी कोरोना वायरस, जिसको आप सभी लोग जानते हो कितने लोग इससे ग्रस्त हुए हैं, कितने लोग इससे अभी पीड़ित चल रहे हैं और कितने लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक गजब कोइंसिडेंस है। हर 100 साल में एक नई बीमारी आती है और वो कोई बीमारी नहीं वो महामारी होती है और इसी प्रकार से पहली बीमारी मतलब महामारी 1720 में आई थी जिसका नाम था प्लेग, उसके बाद 1820 में आई थी कोलेरा आउटब्रेक, उसके बाद आई थी ब्यूबोनिक प्लेग जो कि 1920 में आई थी और अब फिलहाल 2020 में शुरू हुई कोरोना वायरस भी अब तक चल रही है और इन दोनों में बहुत सारे लोग ग्रस्त हुए थे। और हाँ, नंबर थोड़े ज़्यादा कम हो सकते हैं लोगों के मरने वाले ग्रस्त होने वाले, लेकिन ये बीमारियां 100 साल में आती हैं और शायद ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बीमारी है 2020 में भी आएगी, ये साइंटिस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है इस पूरी हिस्ट्री से। दोस्तों ये थे कुछ आज के गजब कोइंसिडेंस और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी फैक्ट वीडियोस और कोइंसिडेंस वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।